सच्चा जैन श्रावक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जैन मुनिराजों की कुछ ऐसी चर्या बताएं जो इस बात को स्पष्ट कर देगी कि जो मुनिराज, जो जैन संत एक चींटी को मार देने को भी बहुत बड़ी हिंसा समझते हैं, वो कैसे इस दुनिया में कोरोना का जन्म कर सकते हैं। वो तो इस संसार में खुद के साथ साथ दूसरे लोगों के कल्याण की तपस्या करते हैं, दूसरे लोगों के कल्याण की भावना करते हैं। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मेरा सभी जैन श्रावकों से ये विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वायरल कीजिए, क्योंकि आज हमारे जैन समाज में सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन जैन साधु संतों के बारे में अभद्र बातें कर रहा हो, अभद्र नारे लगा रहा हो, तो हम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करते हैं, दूसरे समाज वालों को भी दिखाते हैं कि देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। मगर जब हमें उसी व्हाट्सएप पर कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें जैन मुनिराजों की चर्या के बारे में बात की गई हो, जैन मुनिराजों की अहिंसा प्रिय चर्या का बखान किया गया हो, तो हम उस वीडियो को वायरल नहीं करते, उस वीडियो को शेयर नहीं करते, उस वीडियो को दूसरे समाज वालों को नहीं दिखाते। मगर हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वायरल करना है ताकि हर व्यक्ति, हिंदुस्तान में मौजूद हर व्यक्ति इस बात को जान सके कि आखिर जैन मुनिराजों की चर्या कितनी उत्कृष्ट और कितनी अहिंसा प्रिय चर्या होती है। तो अहिंसा के इस अनुपम रास्ते की सबसे पहली और उल्लेखनीय चर्या है इरिया समिति। इसमें शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जब भी जैन मुनिराज पद विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, तो उन्हें चार हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना होता है, जिससे कि यदि उनके आगे कोई भी छोटा जीव जंतु आए तो वो पहले ही संभल जाए, उसे देख ले और उसे बचा करके अपना विहार करे। अब आप सोचिए ये कितनी उत्तम चर्या है। हम अपने घर में भी यदि घूमते हैं तो जमीन पर देखते नहीं और चलते चलते जमीन पर रखे हुए पानी के गिलास को टक्कर और ठोकर मार कर निकल जाते हैं। मगर जैन मुनिराजों के लिए कहा गया है कि जब आप सड़क पर भी चले तो आपको अपने आगे चार हाथ देख करके चलना है, क्योंकि यदि एक चींटी भी आपके पैरों के नीचे आ जाती है तो उस हिंसा के लिए कोई माफी नहीं है। तो इतनी उत्तम चर्या का इस्तेमाल करते हैं जैन मुनिराज अपने जीवन में। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी सबसे बड़ी चर्या की बात करते हैं और वो है आदान निक्षेपण समिति। इसमें इसके बारे में शास्त्रों में ये उल्लेख किया गया है कि जब भी मुनिराज किसी वस्तु को अपनी जगह से उठाते हैं या फिर उसे वापस रखते हैं तो उन्हें उस जगह का मार्जन करना है, यानी कि उन्हें अपनी पिच्छिका का इस्तेमाल करके उस जगह को साफ करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी छोटा जीव जंतु हो तो उसे वो बचा सके। अब यहीं पे यदि हम अपनी बात करें तो देखिए हम अपने घर में दिवाली से दिवाली सफाई करते हैं और जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। लेकिन जैन मुनिराजों की चर्या में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आपकी किसी चीज़ की इस्तेमाल करने की वजह से कोई दूसरे जीव की हिंसा ना हो। अब चलिए हम अपनी तीसरी और सबसे कठिन चर्या की बात करते हैं, जो कि है केश लोच। आश्चर्य की बात है कि जैन मुनिराज कभी भी अपने बालों को उस्त्रा या कैंची या फिर ट्रिमर के इस्तेमाल से नहीं कटवाते हैं। आप जब किसी मुनिराज का केशलोच होते हुए देख लेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ करके अलग करते हैं। इसका सिर्फ यही कारण होता है कि कहीं बालों में मौजूद जीव कैंची और उस्त्रे के इस्तेमाल से उनकी हिंसा ना हो जाए। अब आप सोचिए जो जैन मुनिराज अपने बालों में मौजूद जीवों की हिंसा पर भी इतना गौर करते हो, उस पर भी इतना ध्यान देते हो, हम उन पर किस तरह से आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने कोरोना को इस दुनिया में जन्म दिया होगा। और ये तो कुछ चर्या थी जिनका मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया, जबकि जैन मुनिराज का तो पूरा जीवन ही अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। और यदि मैं उनकी एक एक चर्या का यहाँ पर उल्लेख करने लगूंगा तो सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी उनकी चर्या की उत्कृष्टता और उनके अहिंसा की उत्तम भावना का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं आपसे बस यही उम्मीद और यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी प्रकार के पंथवाद को भूल जाइए, उसे साइड में रख दीजिए और जैन मुनिराजों की उत्तम चर्या का उल्लेख करते हुए इस वीडियो को इतना वायरल करिए, इतना शेयर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक जैन श्रावक, और सिर्फ जैन श्रावक ही नहीं बल्कि हर समाज का हर व्यक्ति इस बात को जान सके कि आखिर जैन मुनिराज अपने जीवन में किस तरह की अहिंसा का पालन करते हैं। और ये वीडियो इतना वायरल होना चाहिए कि जिन जैन साधुओं पर वो आरोप लगा रहे हैं, जिन जैन साधुओं के बारे में वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने जीवन में अहिंसा का कितना पालन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं भावना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र।